ये इनकी होटल बिल्डिंग का नाइट टाइम व्यू है, वेरी वेल लिट, ब्लू एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन। ऊपर होटल का नाम लिखा हुआ है, इट्स बल्तिस्तान रिजॉर्ट। ये होटल की मेन लॉबी है, ये कॉरिडोर जा रहा है इनके रेस्टोरेंट की तरफ, और ये कॉरिडोर जो है इधर रूम है, ये इनका रिसेप्शन है। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर इनके डिलक्स रूम्स हैं। ये स्कर्दू के टूरिस्ट स्पॉट्स की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं। ये इनका डिलक्स रूम है, एलईडी लगी है, दो सोफाज हैं, और ये डबल बेड है, वुडन वर्क हुआ हुआ है। ये इनका वॉशरूम है, वेरी स्पेशियस, हॉट एंड कोल्ड वाटर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, सुबह और रात शाम में तो मिलता ही मिलता है। ये इनका ड्रेसिंग एरिया है वॉशरूम और रूम के दरमियान। Overall, it's a nice room, very nice. अब इनका रेस्टोरेंट मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि वाकई बहुत ज़बरदस्त, काफ़ी बड़ा और वेल मेंटेन्ड है। ये वॉशरूम है, ये इनका डाइनिंग सेटिंग है, ये सेपरेट एरिया है थोड़ा किसी ग्रुप के लिए, और ये इनका बुफे सेटअप है। So this restaurant of this hotel is very nice. ये इनका ग्राउंड फ्लोर पे स्टैंडर्ड रूम कहते हैं इसको, इसमें भी एक डबल बेड है, एक सिंगल बेड है, और एक मैट्रेस भी नीचे रखा है अगर फैमिली बड़ी है तो उसके लिए। छोटी जेलिडी है, यहाँ दो चेयर्स हैं, ग्लासेस हैं, टिश्यू बॉक्स है, एस्ट्रे है, जानमाज है, और ये इनका ड्रेसिंग एरिया है जो वॉशरूम और होटल अपना रूम के बराबर में। दिस इज देयर वॉशरूम, स्पेशियस है, साफ सुथरा है कमरा, ओवरऑल इट्स अ नाइस रूम। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मुबारक अली सर। मुबारक अली, सबसे पहले तो बल्तिस्तान रिजॉर्ट जो लोकेटेड है ये स्कर्दू सिटी में ही है, यहाँ से आपके जितने भी टूरिस्ट पॉइंट्स हैं और बाकी के जो तीन अजला हैं, डिस्ट्रिक्ट खरमंग, डिस्ट्रिक्ट शिगर और डिस्ट्रिक्ट गांछे, वो भी यहाँ से नज़दीक ही पड़ेंगे आगे जो टूरिस्ट पॉइंट है, और उसके बाद बाज़ार वगैरह और बाकी जो स्कर्दू के अंदर है, सरफांगा कोल्ड डिजर्ट, मंटल बतौरो, सतपारा लेक, अपर कछुरा लेक, कटपाना डिजर्ट, कटपाना लेक, खरपोचो फोर्ट और बाकी जितने भी हैं वो यहाँ से आप उनको तकरीबन 10, 15, 20, 25, 30 मिनट के रास्ते में पड़ेंगे। और उसके बाद हमारे यहाँ जितनी भी फैसिलिटीज़ होती है, नंबर की पार्किंग का कोई इशू नहीं है आपकी,
जितनी भी गाड़ियाँ आती है साथ ही आपके रूम्स के साथ ही नहीं लगी होती है, मतलब आप अपने रूम की खिड़की से अपनी गाड़ी को देख सकते हो। हमारे यहाँ सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम है, और उसके बाद गर्म पानी 24 घंटे होते हैं, और लाइटिंग का कोई इशू नहीं आएगा। UPS सिस्टम भी रखे हुए, जनरेटर सिस्टम भी रखे हुए, स्पेशल लाइन भी रखी हुई, और लाइट ना आ जाए तो आपके लिए मोबाइल वगैरह LED वगैरह मतलब जो टेलीविज़न होता है सब कुछ चलता है। और उसके बाद जो रेस्टोरेंट की सहूलत होती है वाईफाई, हाँ वाईफाई तो बिल्कुल भी इशू नहीं आता इंटरनेट का, क्योंकि हमारे जो डिवाइसेस होते हैं वो UPS में 24 घंटे चलते हैं जी। और रेस्टोरेंट का भी कोई इशू नहीं, चाइनीज़ पाकिस्तानी बाकी जो बारबेक्यू वगैरह, और उसके बाद हमारा जो एक स्पेशल है दमपोक, हाँ वो मतलब आप लोगों ने कहीं मतलब नहीं देखा होगा, क्वेटा में देखा है, क्वेटा में देखा है। तो जिन मतलब गेस्ट जिन्होंने नहीं देखा है वो बल्तिस्तान रिजोर्ट के पेज को मतलब विजिट करें, और वहाँ पर हमने ऐसी सर्विस दी हुई है दमपोक के नाम से, जिसमें पूरा बकरा है टेबल में सर्व करते हैं ना। अच्छा। और उसके साथ हम काबली पुलाव रखते हैं या तो दूसरा कोई लोकल पुलाव रखते हैं। ओके। जी जी, तो वो आप देखें, और उससे लुफानंदोज होना है तो बल्तिस्तान रिजोर्ट का विजिट करें। ओके। और आपके रूम की कैटेगरीज कौन कौन सी? रूम की तीन चार कैटेगरीज है, हम स्टैंडर्ड भी रखी हुई है, लग्जरी भी। स्टैंडर्ड में क्या अकोमोडेशन होती है, कितने बेड होते हैं? जी दो तीन बेड रखे हुए हैं स्टैंडर्ड में भी। ओके। और लग्जरी जो है वो तो किंग बेड है, किंग बेड मास्टर किंग साइज बेड है। जी जी जी। ओके। और उसके बाद दूसरा लग्जरी है। जी सर, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट देते हैं जी? मतलब फिर भी मतलब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है, मतलब रूम रेंट के हिसाब से। रूम रेंट के हिसाब से। बिल्कुल ठीक है। और अगर यहाँ से आप कोई लोगों को जो आपके पास ठहरते हैं उनको ट्रांसपोर्ट चाहिए हो, जीप्स वगैरह या कहीं जाने हैं, टूर ऑपरेट भी करा देते हैं? बिल्कुल, टूर ऑपरेट करा देते हैं, ट्रांसपोर्ट का जितना भी निज़ाम होते हैं ट्रांसपोर्टर्स हम यहीं पर बुलाते हैं। ओके। और हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो ट्रांसपोर्टर से डायरेक्ट बात करते हैं। अच्छा। उसके बाद अगर एक गाड़ी पसंद नहीं आती हम अगले ट्रांसपोर्टर को बुला देते हैं। ओके। मतलब जितने भी हमारे पास हमारा अपने ट्रांसपोर्टर है वो कर देते हैं ये सारा काम। ठीक है। टोटल कितने रूम है आपके पास? हमारे पास टोटल 23 रूम है सर, जिसमें से हमने दो रूम ड्राइवर्स के लिए रखे हुए हैं। अच्छा। और ड्राइवर्स रूम भी बहुत अच्छे हैं हमारे, बेड अच्छा। लगे हुए हैं। अच्छा। गर्म पानी मतलब बिजली के हिसाब से आ जाता है, 24 घंटे तो नहीं, बिजली के हिसाब से आ जाते हैं। और उसके बाद टूर ऑपरेटर्स के लिए अलग रूम रखे हुए हैं। अच्छा। जी सर। और बाकी जो 20 रूम रहते हैं वो होटल के मतलब गेस्ट के लिए। जी सर। तो नाज़रीन, आपने मुबारक भाई से सुना अपने होटल के बारे में, और मैं यहाँ 2 नाइट स्टे मैंने किया है, कल की रात भी यहीं था, आज रात भी यहीं हूँ, सुबह मैं यहाँ से चेकआउट करूँगा। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होटल का बाहर से व्यू देख के भी और होटल के कमरे देख कर भी और फिर जो सर्विसेज ये बता रहे थे बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त भी कुछ देर पहले लाइट गई भी थी लेकिन कमरे में UPS की बदौलत लाइट आ रही थी, मेरे मोबाइल फ़ोन्स कैमराज वगैरह गैजेट्स बिल्कुल ज़बरदस्त चार्ज हो रहे थे, और गर्म पानी और ठंडा पानी, गर्म पानी हर वक्त अवेलेबल है, ख़ासतौर पर सुबह और शाम को तो डेफिनेटली अवेलेबल है, आपको पता है ना जी। और बाकी पार्किंग इनके पास माशाल्लाह बहुत स्पेशियस पार्किंग है। पार्किंग के अलावा टहलने के लिए, चलने के लिए, चहलकदमी के लिए आपको पता है 3 गार्डन्स लगे हुए हैं, गार्डन्स और गार्डन में आपको ट्रॉट फिश फार्म भी नज़र आ रहा है, रैबिट्स भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अभी बोन फायर वगैरह भी होता है। थैंक यू वेरी मच, मुबारक सर। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। रात आपको होटल के रात का व्यूज़ दिखाए थे और रिव्यू दिखाया था। ये सुबह के वक्त जो है इस होटल की बैक साइड पे ये बाग है, उनका गार्डन है, जिसमें वो कह रहे हैं कि तकरीबन गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी फल होते हैं उन सब के दरख्त यहाँ मौजूद हैं इस बाग में। इट्स अ ब्यूटीफुल गार्डन बिल्कुल होटल की बैक साइड पे। ये बॉनफायर के लिए जगह बनी हुई है, पर्पसली बिल्ड फॉर बॉनफायर। ये इतने ऊँचे ऊँचे दरख्तों का झुंड है और बीच में पगडंडी सी बनी हुई है। आपको जंगल में
फिरने का घूमने का फील देगा अगर आपको शौक है इस किस्म की जगहों पर कुछ अपने लिए तस्वीरें, यादगार तस्वीरें, वीडियोस बनाने के लिए। तो इस ब्यूटीफुल सॉफ्ट मार्फोर ये भी यहाँ रखा हुआ है। एंड लुक एट दीज, ओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रैबिट्स, हाउ क्यूट, हाउ स्वीट, वाओ। ब्यूटीफुल, ये तीन रैबिट्स भी हैं यहाँ। अच्छा वाह, बादाम है, ये चेरी है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त। ये होटल की प्रॉपर्टी है, ये होटल की बैक साइड है। तो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी नाइस होटल टू स्पेंड योर हॉलीडेज इन, वेकेशंस इन स्कर्दो। ये होटल की फ्रंट में पार्किंग और ओपन एयर सीटिंग का सुबह का मंजर है, दिन में, रात को आपको दिखाया था कि रात में कैसा लगता है। और ये देखें कुछ गाड़ी की पार्किंग इधर है ये, और बाकी पार्किंग ये है। ये होटल की मेन रोड से एंट्रेंस है और ये होटल का फ्रंट है, बिल्डिंग राउंड प्लस वन पर ये होटल बना हुआ है। तो उस कर्दू में बल्तिस्तान रिजॉर्ट इज़ द होटल नेम, फिर आई वुड रिकमेंड यू टू कम एंड स्पेंड योर वेकेशंस।